wonderful presentation from Srimati Ushashi Roy Patra Navish from Gangam. I pray to the lotus feet of Shishri Thakur for her well-being. Thank you. Jai Guru. We have with us Bhagya Das Bhav. So I request her to present before us about song. Ma'am, can you hear me? Yeah, can you hear me now? Yeah. Yes. Okay. So, Jai Guru. Thank you. I'm thankful to Riti Chandan Chakraborty from Sri Vandanad Bharati to invite me today here. I'm in Bohemia, Prague. So I'd like to sing a bal song. আমি হৃদনা ঝরে রাখবো ছেড়ে দিলে সোনার গৌর ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না ছেড়ে দেবো না আমি হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না আমি হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না Thank you.
আমি ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিলে সোনার গো, আর পাব না আমি ছেড়ে দেব না, আমি হৃদয় মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না, আমি হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না। ঠাকুরকে হৃদয়ে মাঝে রাখবো, জয় গুরুজি, জয় গুরু, আ ভেরি নাইস রেন্ডিশন অফ শ্রী ঠাকুর। রুবুল শর্মা স্যার প্লিজ মিউট কর লিজিয়ে। ওকে স্যার, ওকে। From Dum Dum for his speech about Shishir Thakur and his philosophies of life. So I welcome you, sir, to present before us your speech. Debodhuti Bandopadhyay, Professor Debodhuti Bandopadhyay from Good evening, madam. Time, good please. Evening. Time. Sir, you have 7 to 8 minutes. ओ ठीक है, तो हम एक कहानी बताता हूँ आज, 7 to 8 minutes में वही अच्छा होगा। ठाकुर जी का जीवन में एक कहानी बताता हूँ आज, यही अच्छा होगा। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा वीडियो ऑन करके करें तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, वीडियो अभी अभी ऑन करते हैं, कोई बात जी, नहीं। जी। जय गुरु, आप सभी को मेरा जय गुरु। सर्वप्रथम मैं परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की और परमाराध्य श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा और मेरे परम पूजनीय बाबाईदा और मेरे गुरु परिवार को सभी को भक्ति विनम प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। ये आफ्टर पार्टीशन को एक कहानी है। तो ठाकुर उसी दलान घर में उस बरामदा पे बैठे हुए थे चौकी पर, वहां से सीधी नजर पड़ती थी उस मेन गेट पे देवघर को कहानी। अचानक ठाकुर जी ने कहे, अरे अरे देखो तो ये वही लोग है ना, मतलब भावना को कोई व्यक्ति, उनका नाम लेकर ठाकुर कहते देख तो ये वही है ना। तो कोई एक दौड़ के गया, बोला जहां हाँ वही है। एक वयस्क बहुत वृद्ध और थका हुआ हाल लग रहा है, धोती और कुर्ता एकदम लग रहा जैसा कभी भी जान से बचाकर यहां चला आए। ठाकुर जी ने तुरंत बंकिम दा को कहा, ए बंकिम, तुरंत उनका लिए एक नया सा धोती और एक कुर्ता और ये तुम अरेंज करके रखो। तो बंकिम दा ने दौड़ के चला गया और कह गया कि तुम इनको साबुन तेल और नहाने का व्यवस्था सब कर दो, मतलब 5-10 मिनट का अंदर
और हर व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दिया और सबसे कहा दिया जो मैंने कहा दिया उनको मत कहना। मैं बोला क्योंकि वो बहुत पुराने अग्नि हैं तो तुमको भी जानते हैं, तुम लोग खुद से कर रहे हो, फिर खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया और किसी से एक व्यक्ति को भेजा। वो आदमी वहीं पर गेट पे खड़े रहे थे, अंदर नहीं आ रहे हैं, उनको बुलाकर ले आने के लिए ठाकुर जी ने बोला। जब वो व्यक्ति गया उनसे कहता है कि ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं, तो वो बोला क्या मुझको बुला रहे हैं? हाँ 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 भाई साहब आपको ही बुला रहे हैं, मुझको सही से? वो बोले हाँ हाँ आपको बुला रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था इतने दूर से ठाकुर उनको पहचान कर उनको ही बुला रहे हैं। घटना बाद में और प्रकट होगी कि उसने इतना आश्चर्य हो रहा था। फिर वो बहुत संकुचित होकर कहा और लज्जा से शर्म से ठाकुर के पास आके खड़े हो गए, ठाकुर से नजर नहीं मिला पाए। तो जैसे ठाकुर के सामने आते हैं क्योंकि उनको संकोच बोध होता है, ठाकुर जी ने तुरंत बोला अरे अरे जाइए जाइए, बड़ो बहू आपको लिए इंतजार कर रहे हैं, मतलब श्री वर्मा के पास। ये जो अनइजी फीलिंग उनका हो रहा था, उनको जो हेजिटेशन हो रहा था उसको दूर करने के लिए ठाकुर जी ने तुरंत उसको भेज दिया उस अंदर महल में जहां श्री बड़ोमा थी। जाइए जाइए बड़ो बहू अपना जो अपेक्षा करते। तो जितने लोगों को उन्हें बोले थे ये करो उनकी सेवा शुश्रूषा देना था वो सब तो दिया। केशोदा ऋतिकाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य बैठे हुए थे वहीं पे। केशोदा ठाकुर से प्रश्न करता है कि ठाकुर ये तो वही सज्जन है ना जिसकी आप बात करते हैं, जो पावना डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जमींदार थे, वहां पर लैंडलॉर्ड थे, और जब आपको पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आप बहुत छोटे थे उस वक्त, घर में एक पैसे भी नहीं थे दवा लाने के लिए, बहुत ही कठिन अवस्था थी उस समय घर में, और माँ ने उन जमींदार के पास आपके भेजा था कुछ पैसे ले आने के लिए ताकि दवा ला सके और पिताजी का ट्रीटमेंट इलाज हो सके, तो आप गए थे कुछ पैसे मांगने के लिए। वो तो बैठे हुए थे अपने सभासद लोगों के साथ, वो बहुत आनंद चल रहा था, मजलिस हो रहा था। अब जाकर जैसे दर्जे पर खड़े हुए वो तो कड़क कर बोल दिया ए तुझे क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो, हर वक्त भिखारी की तरह चला आते हो, क्या बात है? ठाकुर जी ने कुछ नहीं कही, ये सिर झुका के उन्होंने बोला देखिए मेरे पिताजी को बहुत बीमार है, मेरे थोड़ा पैसे के लिए। तो उतना और गुस्सा आ गया, वो बोला गुस्से में एक उनका सामने जो कॉइन्स थे वो कॉइन्स ऐसा लेकर वो फेंक दिया ठाकुर जी का मत्थे पे। एक कॉइन आके ठाकुर को इस पे लगा एक टप्पल कपाल पे और ऐसे कट गया। वो जो कट गया फिर भी ठाकुर जो भी पैसा थे उनको उठाकर ऐसे करके सिर पे लगा के उसको दयाल की दान है, मेरे दयाल की दया, राधा स्वामी दयाल की दया, ऐसे बोलकर ठाकुर जी तो वहां से चला गए। तो फिर माँ को उस पैसे ने ठाकुर जी ने दिया, माँ बोली दावा लेने के लिए, फिर दावा तो आई। तो यह है घटना। तो कृष्णदा ने कह रहे हैं ठाकुर इन्होंने आपके साथ इतनी बुरी व्यवहार किया था तो इतना सब कुछ करने का क्या है, अपने इतना सब कुछ क्यों किया उसके लिए? तो ठाकुर जैसे लगा बहुत इमोशनल हो गए तो आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे, गला रोध हो गया। कहते हैं कि केशोदा आप बोल रहे मैं क्यों किया, अगर उस दिन उन्होंने अगर वो पैसे मुझे ना दिए होते तो शायद मेरा पिताजी नहीं बांचते, जिंदा नहीं रह सकता, और मेरे पिताजी अगर जिंदा नहीं रहते तो शायद मेरे माँ भी नहीं बांचती, और अगर मेरी माँ नहीं बांचती तो ये जो आपको आप मुझे देखकर कह रहे हैं शायद मैं ही भी नहीं बांचती। दिस इज कॉल्ड लव, यह है प्रेम, और हम लोग ठाकुर जी को कहते हैं परम प्रेममय। इसे तो मैं सोचता हूं
ये जो मानवीय जितने सारे गुण हैं, जितने सारी गुण हैं, ये सिर्फ प्रेम ही नहीं, इस सबों की पराकाष्ठा मेरे ठाकुर है, मेरा इष्ट है, मेरे ईश्वर है। तो मुझे लगता है ये सब जो एग्जाम्पल है हमारा जीवन में, अगर हम उनको लेके चलते हैं तो हर ठाकुर जी का कथन, हर वाणी हमारे जीवन को प्रैक्टिकली वास्तविक रूप से उस तरह से फैलेगा और हम ठाकुर को लेकर आनंद से चल रहे बीत जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, प्रेम ही हो या काम ही हो, यो लेने देने के सम्मोहित तथा चाहत पर प्रतिष्ठित है, उसको स्थायित्व भयंकर एवं विपद संकुल है। तो फिर से हम एक ही बात कहूंगी, जो प्रवृत्ति का कारण हमेशा मेरे इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं, ठाकुर जी ने कहते हैं, जो ये मुझे भी किसी से स्खन व शिकार करते हैं, बातें कठोर लगती है, किंतु यही है असली बात। घर में पोसे हुए मैने के प्रति, मनुष्य के प्रति जो प्रीति और ममता होती, आजीवन जजन जाजन और इष्टप्रीति करके भी अनेक लोगों की इष्ट पर भी प्रीति और ममता नहीं होती। तो ठाकुर जी ने इसलिए कहा, इष्ट के बढ़कर तुम्हारे जीवन में जिसका भी प्रयोजन होगा बड़ा, उस पथ पर ही सर्वनाश तो इंतजार में तुम्हारे रहेगा खड़ा। और गीता के एक वाणी ठाकुर जी को एक भक्त ने बोला, गीता गीता में है, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तंतस्थैव भजाम्यहम् ममो वर्तानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। गीता के ये वाणी, इस वाणी का संपर्क ठाकुर जी को एक घटना है अद्भुत, जो ठाकुर का एक अद्भुत विषय था, सभी अवतार पुरुष को ही है। जो बड़े से बड़े विद्वान है, जो बड़े से बड़े ज्ञानी है, जितने भी स्कॉलर है ना, ऐसा भी एक ज्ञानी पुरुष, एक स्कॉलर उनके संस्पर्श में आकर ऐसा भी नहीं हुआ जो अनसेटिस्फाइड होकर चला गया। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं, जितने भी बड़ा से बड़ा स्कॉलर वो हो। और ठीक इससे उल्टा, एकदम साधारण से साधारण निरक्षर गांव का, एक सोच लीजिए कृषक हो, ये साधारण मजदूर हो, वो भी उनको पास आकर तृप्त होकर चला गया, अनसेटिस्फाइड कभी देखता नहीं, सारे जीवन उनके बाद स्वरण मनन करते हैं। गीता को ये वाणी हम पढ़ते हैं, गीता को इस व्यक्षा, बहुत ही व्यक्षा है, बहुत सारे व्यक्षा है, तुम जिस भाव से, जिस तरह से आपको समर्पित करोगे उनके प्रति, उनके उस भाव से तुम्हारे लिए तुमको प्राप्त होंगे। बहुत सारे शिवेक्षा है, समझने आती या नहीं आती है, ज्ञानी लोग तो समझते हैं, साधारण लोग तो समझते नहीं, पता नहीं। ठाकुर जी के पास देवी प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे अपने मामाजी है, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र की चीज को लेकर बातचीत करते थे, तो ये वाणी जब ठाकुर जी के सामने उन्होंने बोला, ठाकुर इसका अर्थ क्या है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंतस्थैव भजाम्यहम्, ठाकुर जी ने वेरी सिंपली कहा दिया, तुम मुझे चुम्मा दोगे, मैं भी तुम्हें चुम्मा दू, तुम मुझे कांटा चिपकाओगे तो मैं तुम्हें भी कांटा चिपकाओगे। ठाकुर जी का बहुत सारी वाणी है, सिर्फ इस चीज पे समय मिलेगा अगर आपको सहयोग रहे, ये तो महासमंदर है ना, एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं ज्ञान का सागर, एक्चुअली ठाकुर जी ज्ञान का सागर नहीं, इज विजडम पर्सोनिफाइड, ये चेतना मुझे होना चाहिए। आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज श्री ठाकुर की भावधारा को हमारे सामने उपस्थित किया। आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ परम दयाल के चरणों में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रेंडिशन, आई वुड लाइक टू कॉल श्रीमती अंकिता मिगलानी साइनी फ्रॉम लंदन यूके। शी विल बी रिसाइटिंग अ पोएम रिटन बाय श्री रितिश रंजन चक्रवर्ती। हेलो, यस सर, योर ऑडियो। ओके, जय गुरु।
Thank you again for inviting me. I thank Ritesh sir to again invite me in this program. And as we all know, yes, गुरु जो होता है वो लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. गुरु प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. गुरु इज एम्बोडीमेंट ऑफ सेल्फलेसनेस. वी आर एबल टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम गुरु. गुरु शोज अस द पाथ, द ट्रू पाथ, लव एंड सो मैनी क्वालिटीज. वॉट एवर द गुरु इज कैरिंग ई ट्रांसफर्स टू अस. So guru plays a very important role, and similarly Ritesh sir has devoted a very beautiful poem for guru Shri Shri Thakur Ankul Chandra, and I feel privileged to be here to recite a poem composed by him, Love Offering, a love from him to his guru. In every morning, O my Lord, O my Lord, I sit before thee face to face. With folded hands and closing eyes, I surrender my life in any case. I offer my unselfish love to the beloved at the time of dawn when there is light. With a humble heart, I stand to see my Guru who shines so bright. Self-exaltation and to others, by this way, life has in me wrought. We should exert ourselves for others. A sense of love shall be brought. I see my Guru, Thakur Ankul Chandra, as a source of eternal forms. Knowledge of spirit is in the hub. We should be calm in storms. A very beautiful poem. I think he really loves him, and we can see through the poem that his love is depicted in the poem, and he is bowing down to Sri Sri Thakur Ankul Chandra. We all bow down, and I feel privileged that I am here to recite such a beautiful poem with a beautiful essence, meaning of love of between a teacher, a guru and a student. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful rendition. And I pray to his lotus feet for your well-being. And please stay with us and try to know about more about our beloved Lord. Yes, thank you so much. Now, moving to the next section, I have been requested by Vedashri Aparna Sahu from Bhuvaneshwar to give her a chance before time because she has to go somewhere. So, I would request Vedashri Aparna Sahu from Bhuvaneshwar to present her song, Odia song, in front of the lotus feet of Shri Shri Thakur. Jai Guru. Jai Guru. उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु और प्रणाम. मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में गाने का सौभाग्य मिला है, और मैं जो गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे गुरु श्री चक्रधरी नायक उनका कंपोज्ड एक गाना है, श्री श्री ठाकुर जी का ही गाना है. जी
नाम बीना विफल जीवन मन अरे नाम बीना रे हरि नाम बीना जप मन त्यागी सबु जप मन त्यागी सबु तुच्छ कामना रे हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना जप मन त्यागी सबु जप मन त्यागी सबु तुच्छ कामना रे हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना वृथा चिंता मगन वृथा रे वचन वृथा कर्मे बीति जाए दुर्लभ जीवन वृथा चिंता मगन वृथा रे वचन वृथा कर्मे बीति जाए दुर्लभ जीवन विभो श्री चरण कर विभो श्री चरण कर नित्य वंदना रे नित्य वंदना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना गहन माया बेसी विभोर संसार स्वार्थ व्याधि कबले विश्व चरा चर स्वार्थ व्याधि कबले विश्व चरा चर करुछ चपल मन करुछ चपल मन निजकु छलना रे निजकु छलना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना मुरली मधुर गाने मुखरित गगन पवन बाजे मजीर मृदंग मुरली मधुर गाने मुखरित गगन बजुछी मोहन स्वर सुन रे मनस व्याकुल प्राणी डाकन्ति प्रभु जगदीश बजुछी मोहन स्वर सुन रे मनस व्याकुल प्राणी डाकन्ति प्रभु जगदीश बजुछी मोहन स्वर सुन
ना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना जप मन जागी सबु जप मन जागी सबु तुच्छ कामना रे हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना हरि नाम बिना रे हरि नाम बिना Jai Guru, a very beautiful rendition from Vedashri Aparna Sahoma from Bhuvaneshwar. And I know her personally, so I have already heard her singing. So she always mesmerizes with her voice. And aaj ka jo ye bhajan tha, Udiya mein tha, lekin bahut sundar tarike se wo samajh mein aa raha tha. Because the pronunciations were so clear, I could get the words that what she was singing, what she was trying to depict through her song. Very good presentation. Thank you so much. Thank you. Jai Guru. Jai Guru. Now I would be calling Sri Gonadip Vishwas Dada from Chittaranjan. Gonadip Dada. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. পরম দয়ালে রাতুল চরণে আমার ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাই। আজ ভীষণ ভালো লাগছে শ্রদ্ধেয় রিদ্ধিশ রঞ্জন চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে, বড় বড় ভালো আদেশে আমি এখানে এসেছি পরম দয়ালের নাম গান করার জন্য। আমার ছোটবেলা তার কলিপিঠেই হয়েছে, আমি বড় হয়েছি তারই সান্নিধ্যে। তাকে আমি, তিনি আমার সম্পর্কে দাদামণি হন, আমি দাদামণি বলেই ডাকি। আজকে তার আহ্বানে আমি সাড়া না দিয়ে পারিনি। আজকে আমি যে গানটি নিবেদন করছি সে গানটি পরম দয়াল অপার করুণায় আমার মাধ্যমে লিখে নিয়েছেন, সুর করে নিয়েছেন। সে গানটি আমি নিবেদন করছি আজ তার জন্য। Thank you.
হারিয়ে যেতে যেতে কখনো কামুশায় শ্রান্ত মন খোঁজে তোমার কি আশা। তুমি তো চোখে দিয়েছো আলো, তুমি হৃদয়ে বেসেছো ভালো, তুমি তো চোখে দিয়েছো আলো, তুমি আমার জীবনের তাই গাইছি প্রভু জয়গান, তাই বিলিয়ে দিয়েছি মা, তাই গাই শুনেছি সকলি তোমার দা তোমারি প্রেম তুলনা। From Sri Ganadeep Bishash Dada from Chittaranjan, I pray to the lotus feet of my Shishir Thakur for his well-being. Now we would be moving forward to another song by Miss Shomi Chakraborty from Kolkata. I will be requesting her to present her song in front of Shishir Thakur and Kul Chandraji. Jai Guru. Jai. I'd like to perform a song which is written by Pujya Pada Acharya Dasri Sri Dada. Priyo Amar Prano Amar Shashwato Nirupo. Let me know. Am I audible clearly? Deep? Yes. Audible.
जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वेरी ब्यूटीफुल रेंडिशन बाय मिस शोभी चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता नाउ आई वुड बी रिक्वेस्टिंग श्रीमती इंदिरा बोरा फ्रॉम सिलचर असम टू प्रेजेंट हर सॉन्ग इंद्रानी बोरा Now I would be calling Miss artist Vanita Das to present her painting. Jai Guru Ma. Jai Guru. First of all, good evening everyone and thank you for giving me such a great opportunity to present my painting. Is absolutely related with satsang. I'm trying to satisfy you and very much thank you to Suranandan Bharati for giving me such a great opportunity to present my drawing. So let's move on. Thank you. Thank you.
We have an English speech by Srimati Ritika Basu from Thakuria. Ritika Basu ma, are you there? Maybe she has left us. Now moving on to our next presentation. It's a chorus performed by Supriya Sarkar, Krishna Das, Kamala Pal and Rekha Sarkar from Kolkata. Thank you.